is the fourth question. E, F, G, H are respectively the midpoints of the sides of the parallelogram A, B, C, D. Show that quadrilateral E, F, G, H is a parallelogram and its area is half of the area of the parallelogram. Means कि आपको एक तो प्रूफ करना है E, F, G, H parallelogram है quadrilateral, और दूसरी चीज कि area of parallelogram E, F, G, H is equal to half of area of parallelogram A, B, C, D. Okay? जब ऐसी चीज हो जाती है बेटे तो उस समय अपने दिमाग में बिल्कुल या कोपअप कर लें या आप मेकअप कर लें या ये आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं या आपके डिक्शनरी में होए कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, लेकिन इक्वल अगर आपने लिख दिया तो पहले रेक्टेंगल हो जाएगा, पहले पैरेलल लिखेंगे और फिर इक्वल लिखेंगे, याद रखिएगा। अगर आपने गलती से 90 पहले शो कर दिया वर्टिसेस को, इसका मतलब पहले रेक्टेंगल होगा, और अगर आपने अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दिया तो पैरेलल होगा। मतलब जो थीम है पैरेललोग्राम्स की वो आपके दिमाग में होनी चाहिए विद थ्योरम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि द एरिया ऑफ टू पैरेललोग्राम्स विल बी इक्वल इफ दे विल बी मेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेललाइंस। क्लियर? तो अब देखिएगा बेटे, पहले मैं इसको जरा A, B, C, D is a parallelogram. So this is opposite sides are parallel then equal. Opposite sides are parallel then equal. मैं सिंपल सी बात हो गई। अगर कोई बाहर से आ रहा है and if he and she has a very little knowledge about the math, तो ये आपका नाम उनको बिल्कुल क्लियर चल जाएगा पता कि डबल कट मींस ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, लेकिन फिगर रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा दिमाग में आ गया यार ये तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है इसका मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेलल देन इक्वल इज पैरेलल। गॉट इट? अब ई एफ जी एच आर पॉइंट्स हैं ऑफ ए बी बी सी सी डी। श्योर? इसको क्वाड्रिलेटरल को हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है, याद रखिएगा। एम आई राइट? क्लियर? तो अब मैं क्या करूं, व्हाट आई हैव टू डू दैट कंस्ट्रक्शन आपने किया एस ज्वाइन कर दिया ए विल सी एंड एफ विल एच। श्योर? तो देखो अभी ई एफ जी एच का जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ ऑफ दिस पैरेलोग्राम, ये हमको प्रूफ करना। तो प्रूफ आपको जो करना है वो आपका एक तो ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, ये आपने प्रूफ करना है, एंड द सेकेंड वन इज कि ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Before proofing EFGH is a parallelogram means पहले आपको साइड को आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा। मैंने कहा था प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी लाइए, घर में पढ़िए और नहीं आता मुझे पूछिए। मीन्स नाउ यू प्लीज गो टू ट्राइंगल, ट्राइंगल में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, अलाइन पैरेलल होती है आपका, याद रखिएगा पैरेलल।
a line is parallel to one side of a triangle. Now, are the midpoints of two rest sides? Means, okay, EF is parallel to BC and EF is about half of BC. This is the triangle ABC. If a line segment is parallel to one side of a triangle, okay, now, divides the both sides. Yeah, midpoint after the midpoint. Yeah, this is SMP can say the midpoint of two sides means AB and AC is if parallel to the third side, it will be parallel to half both area. Yeah, midpoints two sides ki agar koi line segment jod rahi hai to wo parallel bhi hogi aur half bhi. Jaisa aap samjhe. Aapke dimag mein jaisa aa raha hai. To ye aapka ho gaya. Ab dekho main aapka proof kar. Proof kya maine dekhe to aapke naam. Sabse pehle A B C D is a parallel. तो पैरेललोग्राम का मतलब आपका क्या हो गया? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो गया. या इससे पहले आप क्या करते हैं? देखो ना, AB इज पैरेलल टू DC. देयरफॉर देखो AB इज इक्वल टू DC हो गया. एंड आपका देखो दिस AD इज पैरेलल टू BC. तो देयरफॉर आपका ना देखो दिस द AD इक्वल टू आपका ना DC. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ये दिमाग में अपने रख ले. कोई शक है तो बताइए. श्योर? फर्स्ट जी एंड एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स डीसी एंड AD. मैंने कह रहा हूं दैट इज वेरी मच क्लियर इन द फर्स्ट लाइन यू सी इन अ क्वेश्चन दैट इज ई एफ जी एच आर द रिस्पेक्टिव द मिड पॉइंट जी एन एच. इज इट क्लियर? कोई शक है तो बताइए. अब देखो यहां पे ये स्टेटमेंट मैंने लिख तो दिया, अब इसको अपने अमेंडमेंट भी करना सर. मैं कहीं पे गलती कर रहा तो मुझे आप टोकिए. देखिए तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे ये लिखेंगे एन ट्राइंगल ए बी सी, तब जाकर के ये स्टेटमेंट आप देखिए. क्लियर हो गया? फाइन. तो ना देखो इसका मतलब अब आपका क्या हो गया कि ना जी एच या एच जी आप देखिए एच जी इज पैरेलल टू ए सी एंड एच जी इज हाफ ऑफ ए सी. वाई? एग्जैक्टली बाय मिड पॉइंट थ्योरम. दैट्स वेरी फाइन. और मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? व्हाट इज कि आ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इन ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड of A. अब आप देखिए जब ध्यान से H and G are the midpoints of the DC and AD. So now look here. A line joining the midpoints of two sides is parallel to third side and half of it. ये आपका midpoint theorem है. Are you sure? Clear हो गया? Now, you please come to the next one. In triangle ABC, अब देखिए. In triangle ABC, E and F are the midpoints of AB and BC. Is it forgiven?
therefore apna dekho ef is parallel to ac and apna ef is apna half of this ye apka bar mid point theorem hai. कई बार क्या होता है स्टेटमेंट क्लियर नहीं होती है तो ये जरूर लिख दीजिएगा मिड पॉइंट थ्योरम किसी को पता ही नहीं है तब क्या करेगा कंपेयर इक्वेशन नंबर टू ऊपर से करता हूं इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर वन फोर हाफ ऑफ एसी बल्कि आपका फॉर एसी एंड हाफ ऑफ एसी देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा ब्लॉक बना दे रहा हूं ये देखिए यू लुक दिस HG is parallel to AC and EF is parallel to AC. AC AC को compare कर रहे हैं आप देखो ये लिखा हुआ सा. So it means that आपका दिमाग क्या हो जाएगा कि देखो EF is parallel to HG and half AC and half AC you are going to be compare. So now that is EF is equal to आपका ना HG. Parallel भी हो गई, equal भी हो गई. पैरेलल भी हो गए इक्वल भी हो गए इसका मतलब प्रॉपर्टी बन गई किसकी पैरेललोग्राम की तो स्टेट में यू कैन राइट दैट कि ईएफ ईएफ जीएच ईएफ जीएच इज अ पैरेललोग्राम इज इट क्लियर तो नाउ ईएफ जीएच ईएफ जीएच इज अ पैरेललोग्राम फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एक और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से बाय द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम नाउ ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम एनी डाउट क्लियर हो गया कोई शक ओके अब देखिए अब क्या करूं हाँ तो वो कैसे करूंगा बोलिए घबराने की जरूरत नहीं है हम ही को हम ही से चुरा लो इधर से ही चोरी कर रहे हैं देखिए आप तो ना मैं दस ट्राइंगल एच ई एफ एन कायदे से एच ई एफ आप इसको ए बी एफ एच भी लिख सकते हैं आपका देखो लेकिन ये थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि जब मैं एच ई एफ ऐसे आया हूं तो मुझे अब एच एफ बी ए लिखना पड़ेगा तो ना दोगे एंड नाउ दिस इज द उसको क्या नाम दूं मैं एच एफ बी ए को क्या नाम दूं पैरेललोग्राम दे दूं ओके नाम एफ पैरेललोग्राम आपका देखो ना एच एफ बी ए आर ऑन सेम बेस एच एफ एन बिटवीन सेम देखो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एच एफ एंड ए यानी कि ये एच एफ इज पैरेलल टू ए अब कई बार आपका नाउ सम चिल्ड्रन मस्ट हैव
राइज द डाउट्स, क्योंकि देखो वो कहेंगे ये पैरेललोग्राम आपने कैसे बनाया, तो देखो ना, क्योंकि देखो एच एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम देखो आपका ए बी सी, एच और एफ ये साइड्स पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात क्या होगी, देखो ना, क्योंकि एच ए इज पैरेलल टू बी एफ एंड एच ए इज इक्वल टू बी एफ, और वैसे ही आपका नाम देखो वो आपका नाम ए, बल्कि इसको एच एफ इज पैरेलल टू आपका नाम देखो ए बी एंड अगर एच एफ इक्वल टू आपका नाम ए बी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, कहीं किताबों में नहीं लिखा होगा लेकिन ये आपको फोकस करने के लिए कि ना देखो, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के दीज आर द मेन पॉइंट्स, क्योंकि दीज आर पैरेलल्स आपका देखो पैरेलल लाइंस हैं, तो ऑब्वियसली दिस एच एंड एफ दे विल बी लाइज और स्ट्रेट ऑन द सेम, तो जब आपका ये हो जाएगा तो ये भी पैरेलल इसके, दिस विल बी पैरेलल टू इसके, एंड ये मिड पॉइंट है तो दिस विल बी पैरेलल टू दिस वन, इसलिए मैंने इसके भी यहां पे इसको लिखना पड़ा मुझे, नहीं भी लिखता था कोई आग नहीं लगी थी, लेकिन जब आपने बच्चे को समझाना है तो बहुत क्लियरिटी इसके साथ आपने लिखा। अब कई बच्चे कहते सर ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो आपको इसलिए नहीं दिख रहा, देखो अब आप देखो ये देखो इसको मैं पूरा रोटेट करके यूं ले आया, देखो पूरा ये देखो, तो मुझे ये देखो यहां एच ये ऐसे आया, देखो यू ये देखो आपका एफ ये देख रहे हो, ये एच यहां आया देखो, ये आपका देखो एफ यहां आया देखो, ये आपका देखो बी यहां आया, ये यहां ये देख रहे हो आप, ये क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया, सी डब्ल्यू का मतलब क्लॉकवाइज, देखो अब ये देखो आपका ई पॉइंट कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो देखिए अब आप यहां पे क्लियर कर दे एच ई एफ, देखो एच ई एफ एफ एच सेम बेस पे आ रहा है, इस वाले कई बार बच्चों को नहीं आता समझ में, परसेंटेज तो धराम से आ जा रही है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये ऐसे ये उल्टा आपको दिखाया था, मैंने इन्वर्टेड कर दिया उसको, इन्वर्टेड कर दिया, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि ट्राइगल एच ई एफ एंड आपका पैरेललोग्राम एच एफ बी ए आर ऑन द सेम बेस, ये देखो सेम बेस, ठीक है ना, समझिए, तो ये आपका एस बी का मतलब सेम बेस पे बन रहे और बिटवीन सेम कर रहे हैं, ओके, तो ना इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये आपका याद रखिएगा ये आपका थ्योरम भी थी, प्रूफ कराइए आपको थ्योरम नंबर थ्री, ये आपका थ्योरम नंबर यहां पे देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा हूं, कई किताबों ने उसको रिजल्ट नंबर वन भी लिखा होगा, तो देखो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ, देखो एच ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच एफ बी ए, क्लियर हो गया, फाइन, इसके बाद अब आ जाइए आप देखो फोर्थ, दिस इज योर डी सी, इसमें एग्जैक्टली आपको लोकेट हो जाएगा, अब देखो ना जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी और ये देखा कर दिए, अब ये आपका देखो ना ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है, एच जी एम ना ट्राइंगल एच जी एफ एम एच एफ सॉरी पैरेललोग्राम एच एफ सी डी आर ऑन द सेम बेस एच एफ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आपका देखो एच एफ एंड डी सी, यानी कि एच एफ इज पैरेलल टू डी सी है आपका देखो ना, ये ट्राइंगल और ये आपका नाम देखो दिस पैरेललोग्राम,
ये भी आपका भाई प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा। तो देयरफॉर आप बना देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एच जी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच एफ सी बाय एबक थ्योरम। यही वाली थ्योरम नंबर थ्री हमने यूज किया है। तो नाउ इस इक्वेशन नंबर फाइव अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। इज इट क्लियर? दोनों को देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एच जी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच एफ बी ए एंड नाउ प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन एच एफ सी एच एच एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच एफ बी ए और अपन एच मींस नाउ दिस ट्राइंगल इज एडेड टू दिस अपन दिस ट्राइंगल इज एडेड टू दिस वन। ये मैंने इसको रिवर्ट किया था आपको समझाने के लिए। अब देखो ये पैरेललोग्राम भी इस पैरेललोग्राम के साथ जुड़ गया लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट आपका ऐड हो गया। तो देखो अब एरिया एरिया एच ई एफ और प्लस एरिया ऑफ एच जी एफ ये आपका क्या बन गया एग्जैक्टली। गॉड ब्लेस यू। नाउ देखो तो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका नाम ई एफ जी एच इज इक्वल हाफ देखिएगा इसमें कॉमन ले लीजिएगा। हाफ जब आप कॉमन लेंगे मैथमेटिक्स का द फर्स्ट रूल इज टू मेक इट सिंपलर बाय टेकिंग द कॉमन। नाउ देखो प्लस दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नाउ दिस एफ एच एच एफ सी दिस हाफ इज टेकन आउट। तो देखो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो एच एफ बी ए और एफ एफ सी डी को व्हाट यू कैन डू गॉड ब्लेस यू। नाउ देखो area of parallelogram now EFGH is your half and after adding both now we are getting the full one area of parallelogram ABCD. So now this you have proved. Is it okay? Fine. समझ में आ गया midpoint theorem triangle से लेकर के आए उसके बाद थर्ड वाली थ्योरम हमने कि व्हेन अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम दे आर बेस ऑन द सेम दे आर मेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वो आपका इसमें यूज किया। मींस द थ्योरम्स वी आर यूजिंग हियर एज ए एप्लीकेशन एज ए टूल टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। फाइन प्लीज।